हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं आपके साथ अपना फुल रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं जो जो भी करूँगी वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे इस व्लॉग में आप कुछ तैयारियाँ करते हुए भी देखोगे, वो किस लिए हैं आपको अभी आगे व्लॉग में पता लग जाएगा। तो व्लॉग में बने रहिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा। तो अभी टाइम हो गया है 2:45। अभी हम जा रहे हैं मेहरौली, वहाँ पर दरगाह है तो हमें वहाँ पर जाना है। तो जैसे जैसे आगे जो सब कुछ होगा वो सब मैं आपको बताती जाऊँगी। अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे, तब मैं आपसे मिलती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ, चलिए निकलते हैं। तो गाइस, हमने डिसाइड किया है हम मेट्रो से जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड अपने कार्ड में दोनों में रिचार्ज करा रहे हैं। मेट्रो से आने का हमने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर मेट्रो से जाने का डिसाइड किया। मेट्रो से उतरने के बाद हमने ऑटो कर लिया था और अभी हम ऑटो से दरगाह पहुँच चुके हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम दरगाह आई हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। गाइस, अब हम दरगाह से आ गए हैं और भूख लग रही है तो हम पाव भाजी खाने आ गए हैं। उसके बाद मैं मेहंदी लगवाने जाऊंगी। मेहंदी लगवाने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। तो आई होप मेहंदी अच्छी लगे, तो फिर मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाऊंगी। एवरीवन, तो हो गया है गाइस नेक्स्ट डे। कल क्या हुआ, मैं मेहंदी जब लगवाने गई थी उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो क्या हुआ था, मैं मेहंदी लगवाने गई थी 8 बजे और मेरी मेहंदी लगने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब 10:30 बज गए थे। तो बहुत लेट हो गया था, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैंने आपको अपनी मेहंदी भी नहीं दिखाई, आप मेरी मेहंदी देख लो कितनी अच्छी रची है और बहुत प्यारी भी लगी है। अभी मैं आपको अपनी पूरी मेहंदी दिखाऊँगी दोनों हाथों की। तो इसका कलर भी अच्छा आया है, अभी रात तक ही और ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो और खूबसूरत लगेगी। इस कल क्या हुआ था, मैंने अभी आपको बताया 10:30 तक तो मैंने मेहंदी लगवाई थी। फिर उसके बाद मुझे अपनी अम्मी के घर जाना था, तो मुझे अपनी सिस्टर से कुछ सामान लेना था तो इसलिए मैं वहाँ पर गई थी। तो वहाँ से आने में भी काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि मैं इतनी तैयारियाँ किस लिए कर रही हूँ, मतलब मैंने मेहंदी भी क्यों लगवाई है। तो गाइस, हम अजमेर जा रहे हैं इसलिए मैंने मेहंदी भी लगवाई है। मुझे मेहंदी लगवाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मेरा बहुत दिल था मेहंदी लगवाने का, इसलिए मैंने मेहंदी लगवा ली है। और अभी आगे जितनी भी मैं तैयारी करूँगी वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है और जितनी भी तैयारी होगी वो सब शेयर करूँगी आपके साथ। गाइज, हमें अजमेर के लिए आज निकलना है, हमारी ट्रेन है रात की। तो अभी बज गए हैं 3:30 और मुझे काफ़ी ज़्यादा तैयारियां करनी है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। इस रूम तो मैंने क्लीन कर लिया अपना पूरा, अब ये जो कपड़े धुले हुए थे अब बस मुझे इसे तय करना है। ये कपड़े भी तय हो गए। ये ना मैंने शिकंजी बना ली ले जाने के लिए और इस बोतल में मैं भर के रख दूँगी। अभी जल्दी से इसमें भर लूँगी ताकि इसमें बर्फ़ जम जाए अच्छे से और ये रात तक फिर देर तक चले। गाइस, मैंने शिकंजी बनने के लिए तो फ्रीज़र में रख दी ताकि उसमें बर्फ़ जम जाए और वो अच्छी तरह ठंडी हो जाए। अब मैं यहाँ पर हरी मिर्चों का अचार डाल रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये हरी मिर्चें कट कर ली और इसका मसाला बना लिया। इसमें सारे मसाले बनाकर अब इसमें ये मैं फिल कर दूँगी, फिर उसके बाद इसका अचार बनाऊँगी। तो अभी आपको दिखाती हूँ जब बनाऊँगी।
पकने के लिए रख दी। हरी मिर्च का अचार बनकर रेडी हो गया। गाइस मेरे सारे काम हो गए, मैंने अचार भी बना लिया, शिकंजी भी बना ली थी मैंने, और मैंने सारे बर्तन भी धो लिए। अब सिर्फ मेरी पैकिंग रहती है, चलिए अब पैकिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपना सारा सामान निकाल कर रख लिया है, जितना भी मुझे पैक करना है। ये मेरा पर्स है, ये शूज़ हैं, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, ये सब मेरे कपड़े हैं, और यहाँ मेरा सारा मेकअप है। तो अब मैं इन सबको पैक करूँगी। टाइम हो रहा है अभी 3, तो रात के 3 बज रहे हैं, हमारी ट्रेन है 4 बजे की, तो हम अभी निकल रहे हैं। जा जा जा।